की हाल है वैसे भाई? हाँ आप सुनाए। चांदरा मुबारक आपको भी हो भाई। क्या हुआ? 90,000 बिजली का बिल आ गया चांदरा। मेरा बिल 90,000 कैसे आ गया? मैनू लगता ना समानी बिजली भी मेरे मीटर से ही पाती है। भाई देखो ना वैसे भाई गरीब आदमी है, 90,000 का बिल ही दे देता। यार ये तो मसला है, तो कल आगे 5-6 दिन तो ऑफिस भी बंद होंगे। मैं तो घर भी नहीं सी, दरवाजे से थलो इंज करके दे के गए हैं जी। गीड करो अच्छू जी, आपकी बिजली का बिल इसलिए ज्यादा आया क्योंकि आपके घर में एसी लगे हुए। पहले पता ही इस कुड़ी सेंस कोई नहीं है। क्या मतलब एसी से बिजली बिल आया होगा? वो नहीं एसी ना कितों पाई जान, मेरे को तो पखा वो है जो दूसरे वाल वेखता ही नहीं। यकीन करो, मैं तो यकीन करो पखा तुम मेरे घर जाके देखो ना, उन्होंने करो ताए वाले तो जाता चाचे वाले। मगर बिल फिर किस तरह है? फ्रिज और फ्रीजर वगैरह? मैं लगता है जो कजाफी स्टेडियम 2020 नहीं होता। हाँ। मेरिया लाइटा तो है। लग रहा उस पास कोई चांद रात आ मंगेतर चूड़िया लैके देनिया, सूट लैके देना, उन्होंने मैं मीटर कटवावा या मैं यार नहीं मीटर कटिया जाता, मैं तेरा बिल दे दें। तू मोटरसाइकिल से जावे किसी को रस्ता नहीं देता, बिल तू कितने देना पहले? 90,000 तेरे को 1,000 रुपया हो तो तू सारी रात सौना नहीं। बड़ी ऑड बात है, ऐसा होता नहीं। और देखो ना भाई मौसम तो जी आती है ना। मौसम आपका बिल कितना आता है? इतना तो नहीं आता, इतना को तो हवालियां पखियां होंदिया। मौसम दो जने सौंदे या तीन जने बेले पखी चलते हैं, फिर वो सौंदे ने यह 3 घंटे पखी चलते हैं। क्या करूं ना, मैं तो शो के दरमियान में हूं यार, मेरे पास तो गेस्ट बैठे हैं। भाई की हाल है मोहम्मद राणा साहब? शुक्र सोनी आई छड़ दो मीटर कटिया जाए। यकीन करो ताड़े बड़े ड्रामे वेखे, बड़ी कमर्शल। एक ट्रेलर के सीन वेखिया कि इन्होंने प्यास लगती गड्डी च उतर के तुही दरिया से पानी पाते जी, गड्डी च गिलास नहीं रख सकते जी। की हाल जी अली साहब? तबीता हसो खेडो तुम मजाक रा चाहिए कि दुकान से बैठे जे? मैं सुन रहे हैं कंध ना ला, बहुत बुरी बात है। हाँ तो बिल आ गया, लेकिन ताड़ी फिल्म कैसी है वैसे? ताड़ा बहुत फैन है सोनी जी, ताड़े ने तो इनी मोहब्बत करना जिनी सियासतदान करप्शन करते। लेकिन अभी है तुहाड़े फैन, मैं तुहाड़ी फिल्म वेखनी है। बिल्कुल अल्लाह की, मैं सारी दुनिया ने वेखनी है। इधर आओ जब्बी पाओ, कोई नहीं अल्लाह वार कारोबार से दबा होती है। भाजी हूं मेरा बिल मेहरबानी कोई किस तरह कर दो। चल गल बाहर राम ने बया तुम मरना ही, मरना ही, हेलो मरना नहीं, ईद कट ला तुम्हें मरे। काम करना बिल तू तो किस्तें करवा ले इसकी? किस्तां मेरे को कटिंग किस्तां करवाई है? मीटर सही करवा दे, बिल उतार दे। तू छड़ दे मेरे मीटर। चार्जिंग किवें करेगा मोबाइल? चार्जिंग तेन मैं दसा, तेरे राम ना बह तुम मैं कह दिता जी। प्लीज ये ना भाई ना समझा लो, कल ये नहीं इन्होंने जरूरत है की करने की? एक सेकंड भाई, ओए शोर ना कर। मुंबई आपके पास वो फोन का क्या होता है वो, जिससे वो क्या चार्जर है? नहीं अभी तो नहीं है, हूं मैं आजादी तो नहीं वेखनी। गलत गल है, मैंने भाई नहीं कहना चथू चार्जर इन्होंने भी कवाता। मैं देखा तो किए नहीं वेखता। बाहुबली तार के घर भिजवा देना है। क्या हुआ? वैसे भाई बहुत परेशान। अरे हुआ क्या है? भाभी ताड़ी मेरे ते बहुत शक कर दी है। वो क्यों शक करती है? पता नहीं क्यों शक कर दी, मैं तो समझ नहीं आती। अरे शक तो होता है, कोई कोई बंदा कोई बहुत गुड लुकिंग आदमी हो तो उस पर शक बनता है बीवी का। आप क्यों? तो इसलिए मेरे ते कर दी है, तुहाड़े ते कदी होया? मेरे तुहानू अपना दुख दसण आया कि मेरे ते मैनू चॉकलेटी हीरो कहिंदी है। चॉकलेटी हीरो मेरा अच्छू कहती। क्यों कर दी हो तेरे? मैं वे अब्बे का एक बार ना मोबाइल कटन लगा ही जेब चो तो उन्हें फड़ लिया, इस करके शक कर दी। बेवकूफ दुनिया की हर बीवी खामत शक कर दी है। मेरी बीवी तो मेरे ते शक नहीं करती। जिंदा तेरा मुंह तेरे ते यकीन ही करती होएगी।
यार बनता नहीं है तुम्हें शक वैसे मेरे से क्यों नहीं बनता जब देखो तुम शाहद कपूर शाहद नहीं है शायद कपूर है जो भी अब ऐसे भाई तू ही मेरे नाल जाके भाभी अपनी समझाओ अच्छा मेरे से यकीन करो कि खाना खराब कर देता उन्हें मेरा देखिए उसके लिए सबसे पहले तो भाभी को चॉकलेट जो है वो सही वाली खिलवानी होगी ताकि उनको अंदाजा हो चॉकलेट हीरो क्या होता है अच्छा की होया भाई की हंसी जाने की होया जनाब तुम आपको पता है कौन है हाँ जी मैम समान डार सकते अपनी परजाई ना हल करा दे होना कि की हाल है समूर जी अल्लाह तुम भी वड्डा करे जी होर सुनाओ की हाल अजकल बड़े जलील हो गए भरजाई ताड़ी ने एंड लाए तुसी ते घर सुखी के तुसी भी घर बर्तन के कपड़े धो के आए जी जबरदस्त लाइफ है ईजी है ना जिंदगी इंजॉय कर रहे जने सारा बाहर सारे इंजी कहते हाँ जी यकीन करो कि अगर बीवी की गल ना वास्ते भाई मनो ना कपड़े धोवो ना बर्तन धोवो तो बीवियां बंदे दी टिंडा कर देनियां हाँ जी हर गल से शक कर दी भाई बीवी मेरी की शक कर दी यकीन करो मोबाइल से फोन से गल कर रहे हैं मैं मैंने कह रही केस फूफी ना गल कर रहे हैं हूँ इस तरह दी गल्ला मैं मोटरसाइकिल से जा रहे थे टेलीफोन किया मैंने कहती कितने हैं मैं क्या इशारे ते हैं कहती आवाज नहीं आ रही मैं क्या इशारे ते ही हैं कहती मेरी सार्जेंट ने गल करा दसो सबूर जी तुसी भी तो कहे थी जिंदगी मेरे को तबाह की होनी सबूर की शादी नहीं हुई अभी तक अजय नहीं फिर करने वाले होंगे जिंदगी तो आपकी शादी तो नहीं हुई ना सबूत नहीं अभी तक नहीं और आपको कोई प्रोग्राम भी नहीं है रीसेंट टाइम्स में कोई इंसान का बच्चा जैसे मिल जाएगा अगर है कोई जेन तो सो उन्हें छाड़ के फिर मैं तानू प्रपोज कर दे अबे बात सुन एक जगह तो मुसीबत से निकल लो पहले नहीं नहीं वो नहीं देखो मेरे को कि तू ही की कहने के तो आड़ी बीवी तड़ते शक नहीं कर दी होनी यार शक की बात ही तुम उनको बीच में से छोड़ निकालो ठीक है और तुम ना मैं अभी तुमसे प्रोग्राम के बाद तो तुम्हें कोई मशवरे दूंगा बस हूं तो ही दे दो ना आप फंसे हो इन्हें घर बाकी जो भी है अल्लाह तुहानू जी 2018 के इलेक्शन च जितावे ना तुम बस अल्लाह तुहाड़ियां मुश्किलें आसान करे तुम्हें मेरा एहसास किया मैं कहना समान भाई मेरी तो दुआ है जिन मैं फसे अल्लाह तुहानू भी फसावे साथ मुड़ना नहीं है आपने हालात को तब्दील करना है अगर ये कमिटमेंट नहीं है तो आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कोई और काम कर लेना सिर्फ सीट के लिए तो नहीं करनी चाहिए ना मतलब मुझे अगर सीट ही चाहिए होती या वजारत ही चाहिए जब मैं एमएनए बना था यंग था अब 2002 में तो मुझे मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ ने ऑफर की थी आप मिनिस्ट्री ले लें अपनी चॉइस की जो मर्जी ले लें आई रिफ्यूज मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं मुझे हमारे कारकुनों के लिए सर्टिफिकेट्स पता क्या होते मेरी लीडर ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उस वक्त कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप जिस कमिटमेंट के साथ खड़े रहे और मेरा 2008 में मेरे से हलफ ले रहे थे हम सबसे कि मैं पार्टी के साथ रहूंगा मेरा हलफ भी बीबी ने एग्जेम्प्ट कर दिया था और मुझसे जो पार्टी टिकट की फीस होती है वो भी नहीं ली थी तो ये मेरे लिए बड़ा एजाज बहुत अरे आज बड़े खुश हो बारह को में किस चीज की कमेटी पाई ही 2.5 लाख दी अरे निकल आई आज भी नहीं निकली मेहरबानी जना बस भाई बहुत खुशी जी कमेटी नहीं ना निकली बहुत मजा आया जिंदगी का कमेटी निकलने में खुश होते हैं तुम ना निकलने में खुश हो भाई देखो 2.5 लाख की कमेटी 3 लाख कर्ज मैं देना फिर 50,000 मैं कितों करना सी हूं लोगों को यह तो कहना ना निकले कि देवगा कर्ज देंदा क्यों नहीं लोगों तू दे दे तेरा कर्ज मैं क्यों दे दूं भाई आए गवर्नमेंट जड़ा लेंदी वो भी तुही देंदे ते मेरे बारे की तकलीफ है जरा हमारी तरफ में बात करना और चुप कर जा सोटिए जी आराम ना बैठ मैं दसा कहना तमीज ना गल कर मैं तुम्हें दसा मरना ही ओए इत्थे बह जा किन्ने मरने तेरे मैं मरना मैं अच्छा अच्छा बात सुनो तेरे मैं मरना कहना तमीज ना गल करनी मारना खाली मेरे को ओए जे तेरा निशाना ठीक है फिर मारी तेनू मारन दा फायदा कोई नहीं तकिया स्लिप हो जाना अच्छा प्लीज एक मिनट यार मेहमान बैठे हैं कोई थोड़ा देख तो लिया करो बस भाई मेहमान जी चोई मंजूर साहब की हालत भी है ठीक है मेहरबानी है जनाब क्या बात है ईद वाले कपड़े हुणे ही पाले गए मेरी ईद पे आज होगी ना मैं मजाक रात चाहे पर मुझे जी की हाल है बिल्कुल ठीक ज्यादा ना हसोगे नाड़ ते नाड़ ना चढ़ जाए पतले नहीं है वो
کیا پتا وہ جم جانے والے آج کل کے یگسٹرز ہیں اتنے فٹ ہوتے ہیں کون جم یہ اتنے کی ماچس دیا تیلیاں چک دینا چاہتے ہیں یار نہیں یہ تو ویکو نا مسئلہ انہوں کی صحت ہی نہیں جم جانے جی تھی جی خیر اتنا واپس آ جانے جی میں جدو پچھلے دنوں کی حکومت سے بڑے انہوں نے نعرے لائے نے اچھا ہاں جی بریانی دے سن جا یار کام کر جا کے اپنا جی پیسے دینے ہوتے جا کے دے اور تیرے دینے تینوں کی تکلیف ہے جو قرضے ہنستا آپ نے دو دن پہلے مجھ سے لیا تھا وہ تو واپس کرے نا ہنس کے بخا دے اے جدو تسی ووٹ منگنا لوگوں نے ہنس کے بخانا جائے